हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। और आज की हमारी वीडियो सनप्लेक्स डी 10 ml ड्रॉप्स के बारे में होगी। और ये ड्रॉप्स विटामिन D3 है और इसके कंपोजिशन में पॉलीकोल सेफ्रोल 400 IU है। एबर्ट फार्मास्यूटिकल इसको तैयार करती है। और ये ड्रॉप्स छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बड़े उम्र के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सनप्लेक्स डी ड्रॉप्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कितनी मिकदार में इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस ड्रॉप्स के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशन में इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, ये ड्रॉप्स नॉर्मल और बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, क्या आप जानते हैं विटामिन डी बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा कर सकता है और बच्चों में बहुत सी बीमारियों से बचाव में मदद करता है, जैसा कि ये बच्चों में रिकेट्स की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, रिकेट्स बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और बच्चों का जिस्म सुकड़ जाता है और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो गाइज, इन तमाम कमजोरी को खत्म करने के लिए ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करना यूजफुल है। और इसके अलावा ये दूध पिलाती माएं और प्रेगनेंसी में भी ये फीमेल्स इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ये होगा कि आने वाले बेबी और माँ को किसी किस्म की कमजोरी नहीं होगी। ये ड्रॉप्स बच्चों की नशोनुमा तेज करती है क्योंकि सनप्लेक्स डी हड्डियों की ग्रोथ को फास्ट करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है, जिससे बच्चा चलने फिरने में ताकतवर होते हैं और चुस्त होता है। और इसके अलावा ये ड्रॉप्स बच्चों के मुदफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और बच्चों के दांतों को ताकत और दांतों को मजबूत, और जिन बच्चों के दांत आने में तकलीफ होती है उन बच्चों के लिए इंतहाई यूजफुल ड्रॉप्स है। और इसके अलावा सनप्लेक्स डी ड्रॉप्स बच्चों के मसल्स यानी पट्ठों के फंक्शन को मजबूत करता है और ये कंडीशन विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसा होता है। गाइज, विटामिन डी की कमी मुख्तलिफ किस्म की वजह से हो सकती है, जैसा बच्चा माँ का दूध ना पीता हो, डब्बे वाला दूध पीता हो, या गाय का दूध पीता हो, या फिर सूरज की रोशनी ना मिलती हो, ऐसे में क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो गाइस, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सनप्लेक्स डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से जिन बच्चों की आंखों की रंगत पीली हो जाती है या फिर जिस्म की रंगत पीली हो जाती है तो उन बच्चों के लिए ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करना यूजफुल है। व्यूअर्स, ये थे इस ड्रॉप्स के बेनिफिट्स एंड यूजेस। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। पैदाइश से लेकर 4 साल के बच्चे एक कतरा यानी 1 ड्रॉप्स रोजाना इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स, 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे 2 कतरे रोजाना और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 3 कतरे रोजाना और हमला और दूध पिलाती फीमेल्स 5 कतरे रोजाना इस्तेमाल करें। और गाइस, बच्चों को बराह रास्त मुंह में डाल के भी दे सकते हैं और दूध, दलिया, जूस और दीगर खानों के साथ भी मिलाकर भी दे सकते हैं। गाइस, ये थे इस ड्रॉप्स के इस्तेमाल। और नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, यानी गाइस इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। डायरिया का होना हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, नोज़िया रूमेंटिंग का होना हो सकता है। तो गाइस, ये थे इस ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट और इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।